गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पर आज हो चुकी थी WWE की एक टैग टीम मैच ऑफिशियल, जहां पर से MVP एंड बॉबी लैशली फेस कर रहे थे द न्यू डे को, साथ ही में शो के ऊपर जिंदर महल एंड ड्रू मैकइंटायर की रैवलरी भी हो चुकी है बिगिन। तो इसके बारे में वीडियो के अंदर होगी बात, तो इनकी सारी बातों की बात होगी, कैसा रॉ का एपिसोड था, अच्छा बुरा, सारी बातें वीडियो के अंदर बात करने वाले। आप बस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो को देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। और कहीं यहाँ पर सबसे पहले मैं मिस टीवी की स्टार्टिंग दिखाई देती, जहाँ पर से मिल्स एंड जॉन मॉरिसन मिडनाइट रॉ को ओपन करते हैं मिस टीवी के सेगमेंट के साथ, जहाँ पर सारे कंटेंडर्स आते हैं। ड्रू मैकइंटायर होते हैं, रिकोशे होते हैं, यहाँ पर से जो है हमें एंगल दिखते हैं कि भाई सभी मेंबर्स वापस एक एक कर आ जाते हैं। और भाई हमें एंगल दिखते हैं कि जो सारे सुपरस्टार है वो यहाँ पर बैठे होते हैं, बात करते हैं, सब कहते हैं कि भाई मनी इन द बैंक कौन जीतेगा। यहाँ पर डिबेट वगैरह चालू होती है, रिडल आते हैं और भाई रिडल होते हैं वो यहाँ पर से लैडर होते हैं वो टॉप पर बैठे होते हैं, जहाँ पर उनके हाथ के थोड़ी सी ऊपर जो है ब्रीफकेस होते हैं। और भाई यहाँ पर हमें ये एंगल दिखते हैं कि भाई उसके बाद जो एज असैसिन ओमस आते हैं, एज असैसिन ओमस आते हैं और भाई यहाँ पर एज असैसिन बातचीत कर रहे थे, ऊपर जो रिडल बैठे हुए होते हैं उनके साइड पर नीचे ओमस खड़े होते हैं, और भाई ओमस जो है उस लैडर को धक्का देते थे, जिसके बाद जो है लैडर गिर जाते हैं, और भाई लैडर को धक्का देने के बाद रिडल वापस से गिर जाते हैं, और भाई रिडल का जो पिछले हफ्ते जो चोट हुई थी पैर को वही यहाँ पर से होती है, और भाई इस बार जो है रिडल उसी पैर के बल गिरते, और भाई यहाँ पर से उनको एक नॉर्मल सी इंजरी या फिर जो है एक यहाँ पर से इंजरी आप कह सकते हो कि उसे यहाँ पर से उनको हो जाती है। बट इसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं मैच, जहाँ पर से रिकोशे फेस करते हैं जॉन मॉरिसन जो कि एक सिंगल मैच के अंदर। और भाई मैं इस मैच की बात करूं तो मैच काफी अच्छा था, और मैच के अंदर हमें ये एंगल दिखाई देता है कि जो एंडिंग के अंदर है जो हमारे रिकोशे है वो हार जाते हैं, और भाई डिस्ट्रक्शन की वजह से जो काउंट आउट होता है इसके जरिए जो रिकोशे है वो हार जाते हैं, और भाई इस प्रकार से हमें जीत हुई दिखाई देती है इस बार जॉन मॉरिसन की। बट इसके बाद नेक्स्ट ऊपर दिखाई देता है वो दिखाई देता है यहाँ पर से ईवा मरी वाइन के साथ जू ड्रॉप साथ में होती है, यहाँ पर से शीना बेलर एंड नाया जैक्स जहाँ पर से वो मिलकर हमें फेस करती हुई दिखाई देती है। आस्का नियोमी यहाँ पर से आस्का नियोमी एंड यहाँ पर से निकी क्रॉस एंड अलेक्सा ब्लिस की टीम को यहाँ पर से एक टैग टीम में जो है मैच था 8 विमेंस का, और भाई मैच हमें दिखाई देता है मैच के अंदर ये एंगल होता है कि जो एंडिंग के अंदर है जो नाया जैक्स है वो इस मैच के अंदर जो है समोन ड्रॉप हमें लगाती हुई दिखाई देती है, और भाई इसके जरिए जो समोन ड्रॉप देती है, और भाई इसके तहत जो है जीत हमें दिखाई देती है कि जो यहाँ पर से जीत हो जाती है, और भाई इसके बाद हमें एंगल देखते हैं कि जो नाम होता है ना उसको होता है यहाँ पर से ईव अमेरिका। बट नेक्स्ट हमें जो ऊपर दिखाई देता है वो दिखाई देता है मंसूर वर्सेस मुस्तफा अली के बीच एक मैच, इनकी रावलरी चली आ रही थी। तो खैर इसके तहत जो है मैच था, और मैच की बात करूँ तो मैच के अंदर जो है हमारे मुस्तफा अली इंजरी का नाटक करते और भाई रोल अप कर डालते और भाई मैच के अंदर हरा देते हैं यहाँ पर से मंसूर को। बट इसके बाद इंटरेस्टिंग मैच आता है जो कि होता है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जिंदर महल के बीच, और यहाँ पर से मैच स्टार्ट होता है। मैच के अंदर हमें एंगल दिखाई देता है कि भाई सौरव एंड वीर एंड शैंक रिंग साइड पर होते, और भाई हमें एंगल देखते हैं कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है मैच के अंदर। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन हो जाने के बाद वो अटैक कर देते हैं, और उसके बाद जो ड्रू मैकइंटायर की स्क्वाश होती है इनकी उनकी जो तलवार होती है उसको यहाँ पर से वो चुरा लेते हैं, और भाई वहाँ पर से निकलते हुए दिखाई देते हैं, और ड्रू मैकइंटायर की जो तलवार होती है वो यहाँ पर से निकलते हुए दिखाई देते हैं, और ड्रू मैकइंटायर वहाँ पर से बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट दिखाई देता है मैच जो कि होता है लूजा हाउस पार्टी वर्सेस टीबार एंड बेस के बीच एक मैच, जो कि टैग टीम मैच था। मैच के अंदर रोल अप के जरिए विक्ट्री हासिल करते हैं, यहाँ पर से टीबार एंड मेस को हराते हैं लूजा हाउस पार्टी। इस मैच के अंदर वैसे ही मैच इतना भी कुछ कमाल का नहीं था, बट खैर ये जो एक मैच था और इस मैच के अंदर लूजा हाउस पार्टी को अच्छी मोमेंट मिल रही है। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है शो के ऊपर वो दिखाई देता है मैच जो कि होता है रिडल का फेस करते हैं यहाँ पर से ए जे स्टाइल स्कोर भाई, यहाँ पर से ओमस ने धक्का दिया तो ये मैच था। ओमस हमारे रिंग साइड पर बैठे हुए होते हैं, वाइकिंग रेडर्स वहाँ पर आ जाते हैं डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, इसका फायदा उठा देते हैं रिडल, रिडल को डालते हैं पिन, और भाई मैच के अंदर रिडल हरा देते हैं आज ए जे स्टाइल को। नेक्स्ट दिखाई देता है जो कि दिखाई देता है शार्लेट फ्लेयर का प्रोमो सेगमेंट, शार्लेट फ्लेयर आती है वो यहाँ पर जो मतलब वैसाखी के जरिए जलती है, वो कहती है कि भाई मुझे रिया रिपली ने इंजर्ड कर दिया था पिछले हफ्ते, मतलब चॉप ब्लॉक दिया, तो उसके बाद रिया रिपली भी हमें दिखाई देती है जो भी जो है वैसाखी के साथ चलकर आती है, और वो भी जो है लाइक दोनों भी जो है ढोम कर रही थी पूरा पूरा जो है यहाँ पर स्क्रिप्टेड सारा सीन था, और भाई रिंग के अंदर आती है और भाई एक दूसरे के सामने देखती है, और भाई बैसाखी से दोनों मारने की कोशिश करती, बट दोनों एक ही समय पर जो दोनों की बैसाखी है उनको लात मारती और दोनों की बैसाखी यहाँ पर से पड़ती, और भाई वो जो रिंग के अंदर स्टैंड टॉल करते अपने खुद के पैरों के ऊपर, और भाई यहाँ पर से वो हमें दोनों यहाँ पर से स्टैंड टॉल रिंग के अंदर होते और शार्लेट फ्लेयर वहाँ पर से निकलते हुए दिखाई देती है। बट इसके बाद हमें शो पर दिखाई देता है नेक्स्ट जो कि होता है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि होता है सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड एलियास फेस करते हैं इस बार हमारे
जैक्सन राइगर एंड आर्ट्रूथ की टीम को। मैच के अंदर ये एंगल होता है कि जो है आर्ट्रूथ के पीछे जो 24/7 चैंपियनशिप है वो यहाँ पर से आ जाती है, वो यहाँ पर से निकल जाता है। जैक्सन राइगर फायदा उठा देते हैं पूरे मैच को, सैडरिक अलेक्जेंडर को पिन कर डालते हैं, अलायंस भाग जाते हैं। जैक्सन राइगर मैच के अंदर जो है विक्ट्री हासिल करते हैं अपनी टीम के लिए। बट इसके बाद हमें मेन इवेंट के अंदर दिखाई देता है एक्शन जो कि होता है टैग टीम एक्शन, जहाँ पर न्यू डे में फेस करते हुए दिखाई देते हैं वो भी एक्शन एमवीपी को जो कि टैग टीम मैच के अंदर था। और भाई ये मैच एडवर्टाइज था शो के ऊपर, काफी बड़े मैच था। मैच के अंदर हमें काफी बड़े बड़े चीजें दिखाई देती है मैच में। बात करूं मैच काफी अच्छा होता है, मैच की एंडिंग की तरह एंगल दिखाई देता है कि भाई एमवीपी को टैग मिलता है, एमवीपी से मैच को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, कोफी किंगस्टन लीगल होते हैं, बट मैच की एंडिंग के अंदर उनको बढ़ जाती है ट्रिपल इन पैराडाइज। और भाई ट्रिपल इन पैराडाइज के सारे मैच के अंदर हार जाते हैं यहाँ पर से हमारे बॉबी लैशली, और भाई मैच के अंदर जीत होती है न्यू डे की। बट उसके बाद हमें एंगल देखते हैं कि जो यहाँ पर से बॉबी लैशली को रिंग के अंदर जो है गुस्से से देखते हुए हमें दिखाई देती है। और भाई यहाँ पर से न्यू डे अपनी विक्ट्री को जो है सेलिब्रेट भी करते हैं, शो पर दिखाई देते हैं। ओवरऑल काफी बड़े हमें आज एनएक्सटी का और एनएक्सटी का भाई मंडे नाइट रॉ हमें जो है पूरा का पूरा सीन दिखाई दिया है। और किसका बड़े आज के मंडे नाइट रॉ आप मंडे नाइट रॉ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। बाकी आज की हमारी वीडियो बस एक थी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो, चैनल पर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कौन तो आपको हमारी पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।